नमस्कार, मैं संध्या आप सबका द फूड हेवन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने बिल्कुल एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ, सोया बड़ी का सकौड़ा। आप सब भी इसे घर में बनाएं, ये कभी आपने पहले नहीं खाया होगा, तो इसे ट्राई करें, आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। आशा है आप सबने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी का मज़ा लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने सोया बड़ी ले ली है 1 कप। तो सबसे पहले हम इसे मिक्सर में डाल के बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। हमने इन्हें पानी में अभी भिगाया नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है अभी, तो पहले हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। ये भी देख लेते हैं साथ में। ये मैंने प्याज ले लिया है खड़ा, ये लहसुन है, ये अदरक और मिर्ची, इनका हम पेस्ट बनाएंगे ग्रेवी के लिए, आप उसे मसाला सूप भी कह सकते हैं। तो हम इन्हें भी मिक्सर में डाल लेते हैं। अदरक और मिर्ची, तो इनका भी पेस्ट बना लेते हैं। तो ये प्याज लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट बिल्कुल तैयार है, इसे हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, या इससे आप कह सकते हैं कि हम मसालेदार सूप बनाएंगे जिसमें वो हमारे बॉल्स सोया बड़ी के रहेंगे जिसको हम सकौड़ा कह रहे हैं। ये हमने सोया बड़ी का जो बिल्कुल फाइन मिक्सचर बना लिया है, थोड़ा ये ज़्यादा फाइन है, इससे कम भी हो यदि आपकी मिक्सी में तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ उसके टूट जाना चाहिए वो। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊंगी। ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, लेकिन हाँ उसे अच्छे से गीला कर लें। तो अब ये बिल्कुल पानी मिला करके मैंने भी मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर पकाऊंगी गैस पे रख करके कम आंच पे। जैसे हम सोया बड़ी को पानी में बॉयल करके पकाते हैं थोड़ी देर, बस उसी तरह हमें पकाना है, लेकिन ये बिल्कुल बारीक पेस्ट है इसका, लेकिन आप इसे रख दें ताकि ये अच्छे से बिल्कुल पक जाए ये मिक्सचर। कम आंच पर इसको थोड़ी देर आप छोड़ देंगे गैस पर ढक के। थोड़ी प्याज का मैंने पहले मिक्सचर बना लिया था ग्रेवी के लिए, ये कटी हुई प्याज हम बॉल्स बनाने के लिए यूज करेंगे। ये हरी मिर्ची मैंने इसलिए काटी है, ये थोड़ा धनिया हम ग्रेवी में डालेंगे, थोड़ा इस बॉल्स बनाने में डालेंगे, ये बाकी सारी चीज़ें हम ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। ये जीरा है, ये थोड़ा सा हींग है, ये हल्दी, ये रेड चिल्ली पाउडर, ये गरम मसाला, ये लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट है। आप स्क्रीन पर देखें या मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हरा नमक के नाम से भी ये इसकी रेसिपी मिल जाएगी, और यदि वो नहीं हो तो आप अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट बना के डाल सकते हैं। ये नमक है, तो बस अब बनाना शुरू करते हैं, हम ग्रेवी फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, इस सूप मसालेदार सूप को बनाने के लिए आप भी प्लीज़ लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, उससे सकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने ये सरसों का तेल लिया है, तो सरसों का तेल भी ज़रूर लें, रिफाइंड ऑयल ना लें, उसमें उतना अच्छा निखर के टेस्ट नहीं आता मसाले का। ये मैंने हींग ले लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये जीरा है, और बस इसके बाद ये मैंने जो प्याज मिर्ची लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी। बस इसे हम थोड़ा
फ्राई कर लेंगे प्याज को अच्छे से, इसकी सारी नमी ख़त्म कर देंगे। जब तेल अलग होने लगेगा तब हम इसमें बाकी सूखे मसाले डालेंगे। जब तक ग्रेवी के लिए मसाला फ्राई हो रहा है तब तक हम इसे तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सोया बड़ी का जो मिक्सचर बनाया था उसको मैंने पानी में करके थोड़ी देर गैस पे गरम कर लिया है, अभी अच्छे से पक गया है। आप चाहें तो इस काम को गैस पे करें, आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं 10 मिनट के लिए या 7 मिनट तक, कभी कभी डिपेंड करता है आपने पानी कितना कैसे डाला है। तो आप माइक्रोवेव कर लें इसको 7 मिनट के लिए। पानी बहुत ज़्यादा मत डालें क्योंकि ड्रेन नहीं कर पाएंगे। यदि आपके इसके मिक्सचर में बड़ा बड़ा आपका सोया बड़ी है, थोड़ा ये बिल्कुल बारीक हो गया है ऐसा नहीं होता, तो आप थोड़ा मिक्सचर में पानी भले आपका अधिक हो सकता है क्योंकि आप उसे फिर बाद में हाथों से निचोड़ के ड्रेन आउट कर लें। अदरवाइज़ आप इसमें पानी ज़्यादा मत रखें। ये देखिए बिल्कुल अच्छा ड्राई मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया और ये पक गया है। तो अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट मिला लेते हैं जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है। ये ओनियन, सोया बड़ी की इतनी टेस्टी रेसिपी आप पहली बार देख रहे होंगे कि सकौड़ा सोया बड़ी का बन रहा है, और ये इतना टेस्टी सकौड़ा बनता है कि सोया बड़ी जिसे नहीं पसंद हो वो भी इसे बहुत आसानी से खा लेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, वो बिल्कुल इसे चाट समझकर आसानी से इतनी पौष्टिक चीज़ खा लेगा। ये मैंने हरी मिर्ची डाल दी, ये हरा लहसुन का, लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट है, ये थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, ज़रूरत हो आपको तो, इच्छा ना कर रही हो तो आप ना भी डालें, बहुत ही ज़रूरी नहीं है। ये थोड़ा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये आधा नींबू, ये थोड़ा नमक, ये बेसन है, इसे आप डालते जाएं और बस इतना डालना है कि इससे बाइंडिंग रहे हमारी, तो बहुत ज़्यादा मत डालेंगे नहीं तो आपका बॉल जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। आप बेसन की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। अब बस इन्हें अच्छे से मिला लें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बेसन आप मत डालिएगा इसमें, नहीं तो बॉल्स बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहेंगी आपकी। ये हमें सिर्फ बाइंडिंग के लिए डालना है। और बस ये हमारा मसाला बॉल्स के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इनके छोटे छोटे गोले बनाएंगे, बॉल्स बनाएंगे। चलिए तब तक हम लोग ग्रेवी की तैयारी देख लेते हैं। वो मसाला फ्राई हो चुका होगा तो बस ये प्याज बिल्कुल तेल छोड़ने लगा है, प्याज लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट, मैंने हरा नमक डाला है। आपने यदि वो मिक्सचर नहीं बना के रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अलग से लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट इसमें ज़रूर डालें। हमने प्याज के साथ पीसा है लेकिन उसे अलग छोड़ करके आप फिर भी ये ज़रूर डालें, इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है। लहसुन मिर्ची अदरक और नमक मिला लें थोड़ा, ये थोड़ा हल्दी, थोड़ी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और ये नमक, बस इसे मिला लें। तो बस ये मसाले भी अब फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करूंगी। ये बिल्कुल थिक नहीं रहती है इसकी ग्रेवी, बिल्कुल पतला पानी जैसा रहेगा, लेकिन ये इतना मसालेदार रहता है, इतना टेस्ट इसका अच्छा रहता है, ये बहुत टेस्टी लगता है इसमें। तो बस इसे पतला ही रखें,
यही कंसिस्टेंसी रखें। थोड़ा और मैं पानी ऐड करूँगी ताकि बॉयल होकर के हमें इतना ही पतला चाहिए है। अब बस इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो बस ढक कर इसे छोड़ देते हैं, अब पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब तक मसालेदार सूप तैयार हो रहा है, अब ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है, तब तक हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं। तो ये सोया बड़ी के बॉल्स बिल्कुल रेडी है। अब हम इन्हें तेल में रिफाइंड में फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, ये बिल्कुल गर्म हो गया है। बस अब इन बॉल्स को डाल के फ्राई कर लेंगे। तो ये एक तरफ से बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, मैं इन्हें पलट ले रही हूँ। अब बिल्कुल सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर के ये बॉल्स तैयार हैं सोया बड़ी के। ये सोहाल और सेवड़ा बनाने के लिए मैंने मैदा ले लिया है। इस मैदे में मैं ये थोड़ा सा नमक डालूँगी और रिफाइंड ऑयल। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। पकौड़ा में ये जो सोहाल पड़ता है और थोड़ा सा सेवड़ा जो पड़ता है ऊपर से, ये बाजार में रेडीमेड भी मिलता है। आप चाहें तो इन्हें घर में बनाएं इसको बनाते समय, नहीं तो बाजार से भी आप लाके इसे यूज करें, लेकिन डालें जरूर। इसमें रिफाइंड ऑयल का यही रेशियो रखें कि आप ये ऐसी मुट्ठियाँ बनाएं तो ये बन जाए। इससे जो सुहाल बनेगा और जो सोएबड़ा बनेगा वो बहुत सॉफ्ट और खस्ता बनेगा। तो अब हम इसे हल्के गर्म पानी से इसको आटा गूंथ लेंगे, नॉर्मल आटा। तो ये आटा बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाते समय आप चाहें तो सोहाल और सेवड़ा बनाकर पहले से रख लें, तुरंत ना बनाएं यदि समय लगे तो। तो बस ये तैयार है। यदि आपको इसे तुरंत छानना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे गीले कपड़े से ढक दें ताकि इसका जो ऊपर का लेयर है बिल्कुल कड़ा ना हो। तो अब इसे हम सोहाल बेल लेंगे। तो ये पेड़े इनके तैयार हैं, बस अब इन्हें पूरी जैसा बेल लें, बिल्कुल पतला। तो ये मैंने बिल्कुल थिन पूरी बेल ली है, बिल्कुल पतली है। अब बस इसे हम इस तरह कर देते हैं और कांटे की सहायता से आप इसे पिक कर दें थोड़ा, ताकि ये फूले ना। दोनों तरफ से तो अभी ये हमें डीप फ्राई करना है। इसी तरह बाकी सोहाल भी बना लेते हैं। तो ये सोहाल बेल कर बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। अब इसी तरह सेवड़ा भी बना लेते हैं। सेवड़ा के लिए मैंने ये थोड़ा बड़ा पेड़ा लिया है आटे का, मैदे का, और बस इसे हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। देखें इसकी थिकनेस। और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं।
तो उस तरफ से बेल काट लिया, अब इधर से भी काट लेते हैं। अब बस बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े तैयार कर लेते हैं। तेल बिल्कुल गर्म है और बस इन्हें मैं डाल देती हूँ इसमें। शुरू में तेज आंच रखें, जैसे थोड़ा कड़ा हो, और फिर कम आंच कर दें। कम आंच पर बिल्कुल पकने देंगे। तो बस ये हमारा मसालेदार सूप भी बिल्कुल तैयार है उबल के। बंद कर लेते हैं इसे हम। थोड़ा हरा धनिया हम इसमें ऊपर से डालेंगे। थोड़ा हरा धनिया गार्निश करने के लिए रख देते हैं। ये सोहाल दोनों तरफ से बिल्कुल सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे बनाते समय बस ये ध्यान रखें, शुरू में थोड़ा देर के लिए आँच तेज रखें। जैसे ही क्रस्ट थोड़ा कड़ा हो, बस उसके बाद फिर कम आँच पे छोड़ दें और अच्छे से पकने दें। तो बस इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी का सोहाल और सेवड़ा को भी हम डाल के पका लेंगे। सेवड़ा में भी यही करना है, हमें शुरू में थोड़ी देर के लिए आँच तेज रखनी है और फिर बिल्कुल कम कर देनी है। तो ये सोहाल और सेवड़ा बिल्कुल तैयार है। ये मसाला बॉल्स बिल्कुल रेडी है। ये मसाला सूप बिल्कुल तैयार है। तो अब सर्व कर लेते हैं। तो बॉल्स को इसमें डालेंगे। और बस ये गर्मा गर्म सूप से इसे पोर कर देते हैं अच्छे से। आप चाहे तो इसको तोड़ के भी डालें इसमें, और या ऐसे आप साइड में रख दें, जो भी खाएगा वो उसे तोड़ेगा। ये थोड़ा ओनियन, हरा धनिया, ये सेवड़ा, नींबू, और ये गर्मा गर्म सकोड़ा बिल्कुल तैयार है। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, तो आप भी ट्राई करें। तो ये गर्मा गर्म सकोड़ा बिल्कुल तैयार है। ये सोया बड़ी का है लेकिन बहुत टेस्टी है, तो आप इसे खाएं और सबको खिलाएं। ज़रूर आप सबको पसंद आएगा।